गुड मॉर्निंग हेलो फ्रेंड्स अभिषेक चौधरी हियर एंड यू आर वाचिंग योर ऑन साइंस वाइट का आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास टेन साइंस एंड टॉपिक इज रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर इट प्रोशी इन प्रिसीडिंग सेक्शन वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिसीडिंग सेक्शन में हमने पढ़ा था कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में वी हैव नोटिस्ड हाउ दी करेंट थ्रू ए कंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन इट्स रेसिस्टेंस एंड दी पोटेंशियल डिफरेंस एकर हम लोगों ने वहाँ पर देखा था जो करेंट जो है वो रेसिस्टेंस पे किसी भी कंडक्टर के कैसे डिपेंड्स करता है और इसके पोटेंशियल डिफरेंसेस जो दो इंडो के बीच होता है उस पर कैसे डिपेंड्स करता है इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स we often use resistors इन वेरियस कॉम्बिनेशन बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग जो रेसिस्टर है उसका वेरियस कम्बिनेशन को यूज करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के कम्बिनेशन को यूज किया जाता है कम्बिनेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं एक होता है सीरीज कम्बिनेशन दूसरा होता है पैरले कॉम्बिनेशन वी नाउ therefore intent to see how ohms law can be applied to combination of resistor ab hum log dekhenge jo ohms law ka kaise hum log apply karte hain combination of resistor mein there are two methods of joining the resistors together do method hai resistor ko ek sath jodne ka figure 12.6 shows an elect स्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस आर वन, आर टू एंड आर थ्री रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट इन्ड टू इन्ड जो हमारा फिगर 12.6 में दिया गया है 12.6 में देखिए रेसिस्टर इन सीरीज़ यहाँ पे लिखा गया है तो सीरीज़ कंबिनेशन में आर वन, आर टू और आर थ्री तीनों को जोड़ा गया है इसमें क्या होता है तो एक इंड को दूसरे के फर्स्ट इंड से ऐड करेंगे फिर दू, दूसरे के लास्ट इंड को तीसरे के फर्स्ट इंड से ऐड करेंगे और फर्स्ट का जो फर्स्ट इंड होगा वो बैटरी से एडेड रहेगा और थर्ड का जो लास्ट इंड रहेगा वो भी बैटरी से जुड़ा हुआ रहेगा हेयर द रेसिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज यहाँ पे रेसिस्टर जो है वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में फिगर ट्वेल्व पॉइंट सेवन शोज दी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टूगेदर बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई जो एक्स वाई पॉइंट्स है उसमें हम लोगों को ट्वेल्व पॉइंट सेवन में देखिए जो रेजिस्टर है वो पैरलेल कम्बिनेशन में पैरलेल कम्बिनेशन में क्या होता है तो हर एक रेजिस्टर का फर्स्ट और लास्ट इंड बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़े होंगे देखिए आर वन का भी फर्स्ट टर्मिनल और फर्स्ट इंड और लास्ट इंड जो है वो बैटरी के एक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है फिर R2 का भी एक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है R3 का भी एक्स पॉइंट पे जुड़ा है फिर लास्ट इंड देखिए सबका वाई पॉइंट पे जुड़ा हुआ है अब रेसिस्टर इन सीरीज जब कोई भी रेसिस्टर सीरीज में रहता है तो वो क्या फंक्शन करता है और हम इसको में क्यों ऐड करते हैं तो रेसिस्टर को सीरीज में ऐड करने का एक ही मतलब है जो हम लोगों को वोल्टेज में चेंजिंग आएगा लेकिन हर एक रेसिस्टर से इक्वल अमाउंट्स ऑफ करेंट पास करेंगे व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट्स व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट क्या वैल्यू होगा नम करंट uh, का तो करंट एक ही हम लोगों को जब भी सीरीज में ऐड करेंगे तो एक ही करंट हर एक रेसिस्टर से फ्लो करेगा लेकिन वहां पे वोल्टेज जो है वो तीनों रेसिस्टर में सीरीज कम्बिनेशन में डिफरेंट होते हैं व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्राई अंडरस्टैंड दिस विद दी हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी अब फॉलोइंग एक्टिविटी करते हैं उससे हम लोग जानेंगे एक्टिविटी ट्वेल्व पॉइंट फोर में क्या दिखाया गया थ्री वैल्यू इन सीरीज़ कनेक्ट देम विथ ए बैटरी एंड आमीटर एंड अपन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट सिक्स यू में यूज द रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू लाइक वन ओम टू ओम थ्री ओम इ टी सी एंड ए बैटरी ऑफ सिक्स वोल्ट फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी प्लग दी की नोट दी आमीटर रीडिंग अब प्लग करेंगे और हम लोग आमीटर के रीडिंग को पढ़ेंगे क्या होगा चेंज द पोजिशन ऑफ आमीटर एट एनी एनी वेयर इन बिटवीन द रेसिस्टर्स नोट द आमीटर रीडिंग इच टाइम अब हर एक जगह पे लगा के आ को देखेंगे और हर एक टाइम हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे डू यू फाइंड एनी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी आमीटर करंट के वैल्यू में चेंज होगा सीरीज कम्बिनेशन है सीरीज कम्बिनेशन में करंट के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है हर एक जगह पे इक्वल अमाउंट्स ऑफ करंट ही फ्लो करते हैं यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द दीटर इज द सेम जो वैल्यू ऑफ करंट होगा आमीटर का वो क्या होगा सेम ही होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वो जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसी भी पोजीशन पे आप लगा लीजिए वहां पे करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है इट मींस दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टर्स ऑफ करंट इज द सेम एट एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और दी सेम करंट थ्रू इच रेसिस्टर इसका मतलब क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन है तो जहां पे भी हम लोग लगाएंगे रेसिस्टर में आमीटर को तो वो इक्वल अमाउंट्स ऑफ करंट हमेशा सेम करंट को मेजर करेगा एक्टिविटी 12.5 इन एन एक्टिविटी 12.5 इंसर्ट ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड एक्स एंड वाई अब यहां पर वोल्टेज का बात है तो वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे डिफरेंट रेसिस्टर के लिए ये चीज याद रखना है जो होता है जो होता उसमें करंट सेम ही फ्लो करेगा लेकिन जो हमारा वोल्टेज होगा वो हर एक रेसिस्टर के लिए चेंज होगा हर एक रेसिस्टर के लिए अलग अलग होगा लेकिन जो हमारा पैरेलल कंबिनेशन होता है उसमें करंट का अमाउंट हर एक रेसिस्टर के लिए अलग अलग होता है लेकिन जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है यही दो डिफरेंस दो मेन डिफरेंस है इस दोनों कम्बिनेशन के कंपेयर टू वैल्यूज टेक आउट प्लग की एंड डिस्कनेक्ट ए डिस्कनेक्ट ए वोल्ट मीटर नाउ इंसर्ट दी वोल्ट मीटर अक्रॉस पी ऑफ

न भी टू एंड भी थ्री अब हम लोग भी वन भी टू भी थ्री तीनों के बीच चारों के बीच रिलेशनशिप निकालेंगे जो भी है हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स वाई टर्मिनल के बीच में लिया गया है तो वो क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी अमाउंट्स रेसिस्टर जितने भी रेसिस्टर हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उन सभी का कम्बिनेशन जो है वो हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वी यू विल ऑब्जर्व दैट दी पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ वी वन वी टू एंड वी थ्री जो एक्स वाई के बीच में हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जो रेसिस्टर वन के लिए आर वन के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रजिस्टर टू के लिए आर टू के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका और आर थ्री के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस तीनों का सम होगा तो आर वन के लिए V1 वन है पोटेंशियल डिफरेंस आर टू के लिए V2 टू टू है और आर थ्री के लिए V3 थ्री है इसीलिए हमारा जो टोटल वोल्टेज होगा V जो होगा वो क्या हो जाएगा भी वन प्लस टू प्लस थ्री That is V is equal to V1 V2, V1 plus V2 plus V3 12.11. In the electric circuit shown in figure 12.8, let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the three resistors joined in series. बाई एन इनक्यूवेलेंट सिंगल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर सच दैट दोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस इट एंड करेंट आई थ्रू दर्किट रिमेन्स दूर करेंट आई होगा वो सर्किट में सेम ही रहेगा क्योंकि ये सीरीज कंबिनेशन में है और वोल्टेज जो होगा भी का अमाउंट क्या होगा सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अमाउंट ऑल द रेजिस्टर अप्लाइंग दी ओम्स लॉ अब ओम्स लॉ का अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं भी इज इक्वल टू आई आर अब भी इज इक्वल टू आई आर है तो भी वन का वैल्यू क्या होगा तो हमारा R तो, आर तो कॉन्स्ट आर तो चेंज करेगा रजिस्टर तो चेंज कर रहा है तो भी वन का आई तो सेम रहेगा सबके लिए तो भी वन का वैल्यू हो जाएगा ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ थ्री रजिस्टर सेपरेटली फोर वी फर्दर है वन का वैल्यू हो जाएगा आई आर वन भी टू का वैल्यू आ जाएगा आई आर टू भी थ्री का वैल्यू आ जाएगा आई आर थ्री अब टो, टोटल वोल्टेज क्या था टोटल वोल्टेज था बी वन प्लस टू प्लस भी थ्री ऊपर के इक्वेशन से इक्वेशन ट्वेल्व पॉइंट वन वन से तो इज़ इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री होगा अब भी के जगह पे IR पुट करेंगे V1 के जगह पे IR1 पुट करेंगे V2 के जगह पे IR2 पुट करेंगे V3 के जगह पे IR3 पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा अब देखिए i दोनों साइड एक साइड कॉमन है आरएचएस में जाके i को कॉमन लेंगे तो i i कैंसिल हो जाएगा बच क्या जाएगा जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस

ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस एग्जाम्पल 12.7 देखेंगे एन इलेक्ट्रिक लैंप लिया गया एग्जाम्पल में हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम उसका रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम है एंड कंडक्ट ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस अब कंडक्टर जो है वो कितने रेसिस्टेंस का है फोर ओम रेसिस्टेंस का आर कनेक्टेड टू ए सिक्स वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है भी का अमाउंट हमको दिया गया है यहाँ पे क्या है आर का रेसिस्टेंस का अमाउंट आर दिया गया है हमको तो टोटल आर क्या होगा देख लेंगे इसको किस कॉम्बिनेशन में है इमेज से हमको पता चल रहा है ये किस कॉम्बिनेशन में है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू आर वन हो जाएगा रेसिस्टर का रेसिस्टेंस और आर टू हो जाएगा जो हमारा बल्ब है उसका रेसिस्टेंस तो कितना हो जाएगा तो दोनों मिलके के ट्वेंटी बीस ट्वेंटी ओम प्लस फोर ओम ट्वेंटी ओम प्लस फोर ओम कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर ओम इसके बाद वोल्टेज देखेंगे वी इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई आई का वैल्यू क्या होता है वी अपॉन आर तो वोल्टेज कितना है सिक्स वोल्ट आर का वैल्यू है ट्वेंटी ओम दोनों मिलके के आई का अमाउंट किस में आई का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर करंट का तो क्या हो जाएगा 0.25 पॉइंट अब सेकेंड इसका बी क्वेश्चन भी है बी क्वेश्चन में दिया है दो पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंड एंड कंडक्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक लैम्प का और कंडक्टर का उसको देखना है कितना होगा अंपलाइंग ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर सेपरेट सेपरेटली वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प वी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी ओम इन टू वी वन इज इक्वल टू आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई कितना है यहाँ पे जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पीआर है और आर है ट्वेंटी तो फाइव वोल्ट इसका हो गया फिर भी टू का लेंगे तो वी टू का आ जाएगा फोर ओम इसका रेसिस्टेंस है और जीरो पॉइंट टू फाइव इसका करंट तो सेम ही रहेगा तो कितना आ जाएगा वी टू वन वोल्ट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आर इज इक्वल टू वी वी अपॉन आई इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट बाय जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर इज इक्वल टू

ओम रेसिस्टर्स एंड एन एट ओम रेसिस्टर्स एंड ए ट्वेल्व ओम रेसिस्टर्स एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज सबको कनेक्ट करना है सीरीज में तो हम लोग जानते हैं सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है यह भी पता है सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है रीड्रा द दी सर्किट ऑफ क्वेश्चन वन, पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू दी थ्रू दी रेजिस्टर्स एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 12 ओम रेसिस्टर्स, व्हाट वुड बी दी रीडिंग इन दी अमीटरस एंड वोल्ट मीटर आर मीटर मीन्स करेंट को मेजर करना है और वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर वोल्टेज कितना है उसको मेजर करना है तो सबसे पहले हम लोग जो सर्किट दिया हुआ है उसे देखेंगे तो सीरीज में कम्बिनेशन है तो सीरीज में कम्बिनेशन है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज कम्बिनेशन के लिए क्या होता है आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री फाइव ओम है एट ओम है ट्वेल्व ओम है तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व 8 ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव ओम हो गया हम लोगों का टोटल रेसिस्टेंस ट्वेंटी फाइव ओम वोल्टेज कितना है सिक्स वोल्ट है करंट कितना हो जाएगा भी अपॉन आर सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फोर अब वोल्टेज जो है वो भी वन का बोल रहा है ट्वेल्व ओम पे ट्वेल्व ओम रेजिस्टर का वोल्टेज सिर्फ हमको निकालना है तो ट्वेल्व ओम के लिए क्या हो जाएगा जो हमारा करेंट का अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा सीरीज में सीरीज कम्बिनेशन है तो जीरो पॉइंट टू फोर एम्पियर इन टू इसका जो रेसिस्टेंस हैीरो पॉइंट टू फोर एम्पियर हो जाएगा इसका आई का अमाउंट और आर का अमाउंट हो जाएगा ट्वेल्व ओम इज इक्वल टू टू पॉइंट एट एट वोल्ट देयरफॉर द दीटर रीडिंग विल बी 0 0.24 amp uh, ampere and the voltmeter reading be 2.88 volt. Thank you for watching Science Vatka.